हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। देखिए, मोदी रिइटरेट सपोर्ट फॉर पेलेस्टीनियन स्टेटहुड। तो मोदी जी ने फिर से बोला है पेलेस्टीनियन स्टेटहुड हमें चाहिए, उसके सपोर्ट में ये खड़े हैं। तो क्या ये इसराइल के अगेंस्ट है? बिल्कुल नहीं, इसराइल के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। देखते हैं क्या बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे एक्सप्रेस्ड हिज कंडोलेंसेस टू मोहम्मद अब्बास, प्रेसिडेंट ऑफ पेलेस्टीनियन अथॉरिटी, फॉर द लॉस ऑफ पेलेस्टीनियन लाइफ इन ongoing conflict with Israel. The Prime Minister had earlier spoken with the Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu and expressed Indian support to effort to defeat terrorism. Echoing India's official position, the opposition Congress also expressed support for the right of the Palestinian people. Congress President Mallikarjun Kharge called an immediate ceasefire and humanitarian assistance to the people of Gaza Strip. ठीक है भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे को, चलो मैं अपना व्यू बाद में बताऊंगा। शेयर्ड आवर डीप कंसर्न एट द टेररिज्म वायलेंस एंड डिटेरियरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द रीजन, रिइटरेटेड इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल पोजिशन ऑन इसराइल पेलेस्टीन। मिस्टर अब्बास, हेड ऑफ द पेलेस्टीनियन अथॉरिटी विच इज हेडक्वार्टर्ड इन द वेस्ट बैंक ऑफ द रामल्ला द गाजा स्ट्रिप, हाउएवर इज कंट्रोल्ड बाय द हमास मिलिटेंट ग्रुप सिंस द बॉम्बिंग ऑफ द अल अहिल हॉस्पिटल ऑन ट्यूजडे, द वेस्ट बैंक हैज़ विटनेस्ड अ मेजर प्रोटेस्ट अगेंस्ट इसराइल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट गाजा स्ट्रिप। इंडियन लीडर्स हैव मेंटेन कम्युनिकेशन विद बोथ साइड इन द कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इरप्टेड व्हेन हमास अटैक इसराइल टारगेट्स ऑन अक्टूबर 7 इन एन अनप्रेसिडेंटेड। मुल्कर हैव ऑल्सो स्पोक अनप्रेसिडेंटेड मल्टी लेवल ऑपरेशन, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने बोला है। एस जयशंकर ऑल्सो स्पोकन टू दी काउंटर पार्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड यूएई, फिजल बिन, इनका नाम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ अंडरस्टूड दैट द इंडियाज कन्वर्सेशन विद अदर स्टेक होल्डर इज एम्ड एट क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ डायलॉग टू फॉस्टर अ सोल्यूशन टू करंट क्राइसिस एंड इंश्योर द वेलबींग ऑफ द हॉस्टेजेस। मिस्टर मोदी हैव रीच्ड आउट टू इसराइल इमीडिएटली आफ्टर द अटैक एंड कंडेम्ड द किलिंग बाय हमास। This was supplemented by Ministry of External Affairs Minister, which reiterated that India continues to seek a two-state solution where a sovereign Palestinian state will exist side by side with the Israel. ठीक है, MEA spokesperson Arindam Bagachi repeated call for dialogue on Thursday. He also highlighted India's humanitarian assistance to Palestinian people, saying that itna million have been contributed to UN Relief Work Agency. Congress call. India official position was echoed by Mr. Kharge, the leader of the opposition in the Raj Sabha. The Congress chief said the bombing of Al Aliha Hospital was unjustifiable and called the perpetrator to be held accountable. The Indian National Congress repeated its call for immediate ceasefire for the humanitarian crisis on the beleaguered people of Gaza. Mr. Kharge, the former Rahul Gandhi, itna itna Gaza Strip Hamas, theek hai. Dekho, ab baat kya hai? बात तो बहुत बड़ी है, ठीक है। ये इसराइल है, यहाँ पे गाजा आपका वेस्ट बैंक और यहाँ पे गाजा स्ट्रिप। ये गाजा स्ट्रिप है, ये वेस्ट बैंक है, यहीं पे जेरूसलेम है और यहीं पे आपका जो हज़्बुल्लाह हमने देखा वो है, और बीच में क्या है आपका इसराइल है। ठीक है, ये हमारा मैप हो गया। अब आप देखिए ऊपर में कौन है, लेबनन, इधर में कौन है सीरिया, इधर में कौन है जॉर्डन, जॉर्डन ठीक है, इधर में कौन है सिनाई पेनिनसुला मतलब इजिप्ट, और इधर में कौन है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, इसके बगल में यहाँ पे कौन है आप देखिए, यहाँ पे आपका सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के इधर में आप देखिए हो जाएंगे आपके ओमान, और इधर में यमन। ये अपना इम्पोर्टेंट लोकेशन हो गया कौन कहाँ पर है। अब उसी में आप लोग देखिए सऊदी अरेबिया के ऊपर में यहाँ पे यूएई है, और उसके बाद से कुवैत है, कतार है, तो ये तो सारे यहीं पर है। ठीक है, इनसे देखिए कुवैत, कतार, और यहाँ पे फिर आपका आ जाता है, आप देखिए अरेबियन सी, अरेबियन सी आ जाता है, और यहाँ पे फिर मेरा प्यारा भारत। तो ये तो लोकेशन होगी।
और सीरिया से अगर हम लोग देखेंगे तो सीरिया से आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा इराक, इराक के बाद आ जाएगा ईरान, ईरान के बाद आ जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आ जाएगा इंडिया। ये ऊपर की लोकेशन होगी। इन्होंने पहले अटैक किया, फिर इन्होंने इसका जवाब दिया। अब मैं बोलता हूँ जब पहला अटैक हो गया तो सेकंड, हम लोग जवाब तो कुछ भी दे सकते हैं, हम लोग उसको रिटर्न बैक तो करेंगे, ठीक है, हम लोग डर में थोड़ी रहेंगे। हम लोग का मतलब कोई भी यही सोचेगा ना, हमारे पास भी ऐसा होगा तो हम भी यही स्टेप लेंगे, भाई ख़त्म करो। अब ठीक है, अब लोग बोल रहे हैं कि इनका ये गलत है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है यहाँ पे, वो लोग सही कह रहे हैं, हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्बिंग हुई है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग भूल जाए कि ये चीज़ स्टार्ट इसराइल ने नहीं किया था। तुम इसराइल को बोल सकते हो थोड़ा बहुत, पर स्टार्ट तो इन्होंने किया था ना, ये जब इनको ये सब वॉर चाहिए ही नहीं था तो स्टार्ट क्यों किया तुमने। तो यही चीज़ है, इस इंडिया बोलता है इसको दो नेशन बना दो, इसराइल के साथ भी इंडिया अपना कॉन्ट्रीब्यूट और मेंटेन करके रख रहा है पोजिशन, और फलस्तीन के भी साथ भी। तो सिंपल इंडिया सोल्यूशन दे रहा है टू स्टेटहुड, टू स्टेटहुड इज द सोल्यूशन। और ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, पर भाई तब तुमको लड़ना ही नहीं था, मरना ही नहीं था, तुमने स्टार्ट क्यों किया। मेरा तो पहला क्वेश्चन तो मेरे को ये है, तब ना मैं किसी के साथ रहूंगा नहीं रहूंगा। अरे भाई, जब मेरे को कूदना ही नहीं था, कूदा ही नहीं था तो कूदा क्यों, समझ रहे हो, वही कहावत, जब नहीं था कूदा तो क्यों तू कूदा। तो और उसके बाद तुम वर्ल्ड के सामने बोलो और मारा जा रहा है, तो तुमने तो पहले स्टार्ट किया। मेरे को पता नहीं, ये जियो पॉलिटिक्स है, अरब वर्ल्ड है, लोकेशन है, ऐसा है, जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, सबके अपने इंटरनेशनल रिलेशन है, ख़राब ना हो जाए। मेरे हिसाब से मैं अगर सब कुछ ख़त्म करके बोलूँ कोई इंटरनेशनल रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, और मुझे पता है ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर मैं अपना एक भाई कुछ गलत नहीं कर रहा है इसराइल, उसके ऊपर अटैक हुआ वो रिटेलिएट करेगा, और अच्छे से कर रहा है, पावरफुल है तो करे। अब बात आ गई इंडिया को सबके साथ रिलेशन मेंटेन करना है, IMEC बनाना है, तो ठीक है भाई, आपको जिसका साथ देना है दो। वो जियो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, हम सब लोग जानते हैं क्या है, हमने बात कर रखी है पहले, पर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, जब अटैक किया है तो रिइटरेट भी सहो, कुछ गलत नहीं है। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।